गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अबे तुमको बोले थे ना आपने पिताजी को साथ में लाना। बुलाए हैं पिताजी को। अरे बुलाइए ना, बुलाइए ना। प्रणाम सर। और बताइए क्या चल रहा है। पता नहीं जी कौन सा यही चल रहा है हिंदुस्तान में। आपको मालूम है आपके लड़का का ध्यान कहाँ है। पढ़ाई में है हमारे लड़का का ध्यान। अरे लुगाई में है, लुगाई में भैया, पढ़ाई में नहीं है। अरे बच्चों से हो जाती है सर ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ। बच्चा? अरे बच्चा है ये। 2000 बच्चा तो आपके नाली में बह गया होगा। हैंडराइटिंग? हैंडराइटिंग मत पूछिए। क्या लिखता है आपका लड़का? हाँ लिखता तो बहुत अच्छा है। अरे हम बोले क्या लिखता है समझ नहीं आता। इससे कुछ भी पूछो क्लास में सबका उल्टा जवाब देता है। परसों मैंने इसे पूछा कि बेटा ये बता कि एक टोकरी में अगर 10 आम पड़े हैं और उसमें से 2 आम सड़ जाए तो कितने बचेंगे। जानते क्या बोलता है? ये कहता है कि सर 10 ना, अगर 2 आम सड़ जाएगा तो केला थोड़ी बन जाएगा। सही कह रहा है लड़का, गलत कौन सा कह रहा है। अरे भैया यहाँ तक तो सब ठीक था। पिछला महीना लेबोरेटरी में से एक सॉल्यूशन मिक्स करके ले आया। हमको बोलता है सर जी इसको पी लीजिए घूंट में, उसके बाद 6 घंटा तक आपका खाना रहेगा। अब हम ये मूर्ख इस हराम खोर की बात में आ गए और सारा का सारा सॉल्यूशन एक बार में पी गए। शरीर का एक एक रोम खड़ा हुआ था मेरा, पर जो खड़ा होना था वो खड़ा नहीं हुआ। पूरे पूरे 30 दिन, दिन में 30 बार टॉयलेट गया। अरे लिक्विड पे जिंदा रहा था मैं। पता ना कौन जन्म का बदला ले रहा भैया। सर जी माफ कर दीजिए। जब ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखता हूँ तो पीछे से आपका लड़का चिल्लाता है रे मिश्री कितना मीठा है रे। साला मेरा नाम का सत्यानाश कर दिया है। आज सारा स्कूल मुझे मिश्रा की जगह मिश्री से बुलाता है। बताइए साथ चाय पीना भी दूभर कर दिए हैं। चाय पीते पीते लोग बोलते हैं मिश्री के साथ चाय पीने में कितना आनंद आता है। अच्छा है, आपके भी बच्चे होंगे ऐसे ही करेंगे। बस भाई बस, शराब मत दो। अगर ऐसे बच्चे होते हैं ना तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे। मैं कलीजा के नसबंदी करवा लूंगा अपने। आओ नहीं तो क्या, कल मैं इससे पूछा बेटा बड़ा होकर क्या करना चाहते हो, कह रहा है शादी। फिर मैं इससे पूछा बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, बोलता है दूल्हा। आपके माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं, तो क्या कहता है, पोता और पोती। बेटा पोता और पोती की जरूरत नहीं है, तू बस इस महंगाई के जमाने में कुछ एक भी कर दे बहुत है। है सर जी? ना बेटा ना, हम तो पूरा समझ गए तू किस खेत की गाजर है। सर जी वो मूली होती है। अरे भैया मूली तो आप हैं, ये बेचारा तो अभी गाजरे है। सर सुनिए तो सही ना, ना मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा आपकी, अब बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अरे सर सुनिए तो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे? अब तो मैं कहूंगा, कहूंगा नहीं मैं अब लिखूंगा, मैं लिखूंगा अपना डिजाइन। अरे सर सुनिए तो, और आप इसको जाके जमा कराओ। और हाँ नए साल पे मैं नए स्कूल में जा रहा हूँ, छंडू क्लासेस को छोड़ के घंटू क्लासेस में ज्वाइन कर लिया भैया। मैं तो आया था सर कि नए साल की आपको मुबारकबाद के साथ साथ खुशखबरी सुनाता चलूंगा कि 2020 की पनौती आपके सर से चली गई। पर क्या करें जब नसीब में लिखे हो हथौड़े, कहाँ मिलेंगे पकोड़े। अरे भैया मैंने तो कल ही इसका एडमिशन झंडू क्लासेस से कटवा के घंटू क्लासेस में करवाया है। अब 1 जनवरी से इसकी पहली क्लासेस स्टार्ट है और आप वहीं जा रहे हैं। नो 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 नो।